मैं सोशल मीडिया की वजह से नहीं हूँ सोशल मीडिया मेरी वजह से है अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव वेब राइटर्स वी डोंट हैव वेब डायरेक्टर्स वी डोंट हैव वेब एक्टर्स मुश्किल काम का दौर चला गया तो सारा कुछ सिंपल हो गया अब आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए और उसको परफॉर्म करने वाला मजबूत होना चाहिए मरता नहीं, मुझे मार देते हैं पैसे देने पड़ते हैं ना ज्यादा किस दे <laughs> हाँ। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि आपने पढ़ाई तो की थी वकील बनने की और आगे एक्टिंग में इसके पीछे क्या कहानी है उमेर भाई इसके पीछे ये कहानी है कि इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है आ, बस मेरे साथ भी ये हुआ सोचा तो यही था बिकॉज फैमिली भी यही चाहती थी कि आ, वकालत पड़ी है तो वकालत को ही ले कर चला जाए लेकिन फिर वो घर के हालात कुछ ऐसे हो गए कि वालिद मेरे बहुत बीमार पड़ गए और थोड़ा सा फाइनेशली हम अंडर प्रेशर इतना ज़्यादा हो गए एंड फिर लकीली एक अपॉर्चुनिटीज़ भी एक दो ऐसी मिल गई कि मैंने कहा कि वकालत में अगर मैं चला गया और बल्कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था उन दिनों में तो ये था कि कम जो इनकम है उसको आने में डिले हो जाएगा बहुत ज़्यादा सो इंस्टेंट पैसों की जरूरत थी तो फिर इस काम में इसलिए आ गया कि uh, इसको जल्दी से पकड़ लेते हैं ये काम तो करते हैं कोशिश करूँगा साइमटेनियसली दोनों के साथ चला लूँ बट अनफॉर्चुनेटली चला पाया नहीं क्योंकि एक्टिंग इट सेल्फ इज़ अ फुल टाइम जॉब यू कैन डू इट ऑन वीक यू कैन डू इट आफ्टर यू नो जॉब करने के बाद आप कर ले छः बजे से ऑन बोर्ड तो ऐसा मुमकिन नहीं देखा जाए तो डर सी जाती है शिला में जानी मामो डंक में प्रोफेसर हमायों परिजाद में बेहस करीम तो हीरो करने में आपको क्या मसला है ये कहीं ना कहीं इनमें नेगेटिव निकल आता है हीरो क्यों नहीं कर रहे हैं मेरा मानना ये है और मैंने हमेशा इसी पे काम किया है करेक्टर छोटा हो या बड़ा हो मैं अपने कैरेक्टर को हीरो बनाता हूँ ना कि हीरो का कैरेक्टर करता हूँ सो गॉड हेज़ बीन वेरी काइंड इतना ही काम ईमानदारी से हो जाए तो बेहतर है अब वो हीरो का किरदार कर लिया हीरो बहुत किया हीरो, uh, हीरो वो ही हरो वही होता है जैसे कोई कोई ना कोई uh, सबक सीख जाए या कोई चीज़ uh, किसी के दिल में असर कर जाए तो वही आदमी हीरो है uh, अगर मेरे किसी किरदार के करने से uh, कुछ चीज़ चेंज आती है सोसाइटी में या लोगों की सोच में तो आई थिंक आई एम अंदर हीरो उस चीजों का क्या फ़ायदा जो पूरी पच्चीस किस्तों में खड़ा रहा है और कुछ भी नहीं कर सका हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे लोग एक्टिव हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस वगैरह आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं इससे फ़ायदा है कि नुकसान इससे देखिए हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है हर चीज़ का नुकसान भी होता है एक्सेस ऑफ एवरी थिंग इज़ बैड मेरा मानना यह है कि आ, मैं सोशल मीडिया की वजह से नहीं हूँ सोशल मीडिया मेरी वजह से है पहली बात दूसरी बात यह है कि हमारा जो काम है वो ऑब्ज़रवेशन का काम है आ, आ, अगर मैं सारा दिन फ़ोन पे बैठा रहा हूँ और मैंने लोगों को ऑब्ज़र्व नहीं किया जिस जिनसे मैंने एक एक अंग उठाना है और एक कैरेक्टर को डिज़ाइन करना है तो फिर जो कि हो रहा है हमारे जितना भी यंगस्टर है वो चौबीस घंटे आपको फ़ोन पे नजर आता है उनके नज़दीक सक्सेस आपके फॉलोअर्स के साथ कनेक्टेड है उनके नज़दीक सक्सेस आपकी फ़ैन कितने हो गए हैं और उसके बाद आपके बारे में क्या क्या लिखा जा रहा है वो उससे कनेक्टेड है उनके नज़दीक आपको कौन से ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं वो सक्सेस है उनकी एज इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट आपने काम की तरफ तो तवज्जा ही नहीं दी आपने अपनी शोहरत की तरफ तोज्जा दी है तो मगर मशहूर होना है तो मशहूर होने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं हमारे यहाँ एक मिसकनसैप्शन ही इसको कह सकते हैं कि फोटी के बाद जाके एक्टर्स का जो पास रोल्स हैं वो कम हो जाते हैं मेल एक्टर्स के पास क्या ये बात दुरुस्त है अब तो और फोर्टी से भी नीचे आ गया है मामला आ, बहुत सारे लोगों के साथ आ, ये हो रहा है जो कि हम आ, जो कि गलत है बेसिकली जब मेरे पास एक किरदार है चालीस साल की उम्र का तो मुझे क्या या पैंतालीस साल या पचास साल की उम्र का एक, एक एक्टर रिफ़ाइंड एक्टर और समझदार वो कैरेक्टर करने वाला मौजूद है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं एक आ, तीस साल के लड़के को लेके कर यहाँ या, या पैंतीस साल के लड़के को लेके कर बूट पॉलिश लगा के बाल उसके सफ़ेद करके उसको बाप के रोल में दे दूँ मैं उसके साथ ज्यादा कर रहा हूँ और मैं उसके साथ भी ज्यादी कर रहा हूँ जिसका किरदार था और मैं उसको नहीं दे रहा तो हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपके फैंस को आपसे एक शिकायत है कि दूरियाँ हो दशत हो पतझड़ हो मेरा साई हो ड हो या फिर आपका अभी कभी कोई भी आप ड्रामा उठा लीजिए दोबारा आप मर जाते हैं ड्रामे <laughs> नहीं मैं मरता नहीं मुझे मार देते हैं पैसे देने पड़ते हैं ना ज़्यादा किस दे ना। पैसे ना।, ना अब वो किरदार कुछ ऐसा लिखा जाता है आ, मौत बरहक है और हर एक ने एक दिन दुनिया से जाना है वो उन किरदारों ने भी जाना है तो अब मेरा अगर चला जाता है तो लेकिन ये डंक को अगर मैं लेके कर चलूँ तो इट्स अ ट्रू स्टोरी इट्स अ ट्रू इवेंट वो प्रोफेसर साहब ने वाकई खुदकुशी की थी लाहौर एम कॉलेज का ये वाक़ मेरे ख्याल में आई ठीक है और बड़ा मशहूर हुआ था आ, तो वो एक सच्ची कहानी है हेल्प इट साई में आ, हमने उसको जिंदा रखा था आ, लेकिन बस वो आ, हंगामे की नज़र हो गई चीज़ें बहुत सारी तो वो हम उसको ज़िंदा नहीं रख पाए बच जाता है वो सर्वाइव कर जाता है आ, लेकिन फिर उसको मानना पड़ा वो भी मजबूरी के तहत ही मानना पड़ा आई आई कॉन्ट गो दैट रकीब से तो वह जिंदा रहता है परी में आ, वो किरदार था ही इतना जो क्योंकि परीजाद इज़ नॉट माई स्टोरी परीजा इज़ अ स्टोरी ऑफ अहमद साहब की कहानी है सो so, वो उनके साथ चलती है उस कैरेक्टर के साथ परीजा के साथ चलती है।, है।, है तो उस उस परीजाद की ज़िंदगी में कौन कौन से लोग आए जिन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया उनकी ज़िंदगी में सो so, वो मेरा उतना ही पोर्शन बनता था और उसके अकॉर्डिंगली वो मर जाता है दोबारा में वो एक एज का आदमी एक छोटी उम्र की बच्ची से शादी करता है और फिर जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो अपनी आ, मौत तो मरेगा ही बिकॉज वो उसकी एज बढ़ जाती है सो so वो भी एक किरदार था ऐसा जोई मामा में वो मरता नहीं है डरसी जाती है सिला में आ, ऐसा ही है कहीं पुराने ड्रामों में तो बहुत मरे हैं आप पहला जो मुझे मैं मर जाता हूँ पतझड़ में मैं मर जाता हूँ वो अब कहानी ऐसी है क्या किया जा सकता है एंड आई डोंट माइंड आई डोंट माइंड लेकिन जितनी देर के लिए आप स्क्रीन पे हैं एंड इफ़ यू आर लिविंग एन इम्पैक्ट और लोगों में ये जो रहती है कि यार नहीं मानना चाहिए तो देट इज़ माई सक्सेस आपका अपना बेटा अब खुद इंडस्ट्री में आ गया उसी इंडस्ट्री में जिसका आप इतने अर्से से माशा पार्ट हैं क्या आपने उसको इन्फ्लुएंस किया या वो खुद उसने इस तरफ आपसे कहा ये इतफाक हुआ है कि उन्होंने पिछले साल उन्होंने ना कभी मेरे घर में स्क्रिप्ट किया ना मैं कभी उनको आ, मीडिया की गैदरिंग्स में लेकर आया आ, ना कभी वो मेरे किसी सेट पे आए कभी किसी ने नहीं देखा लोग मिले नहीं उनसे आ, लेकिन इतफाक से लास्ट ईयर उन्होंने बड़े वाले ने मुझे कहा कि आई वॉन्ट टू डू दिस मैं कहा हाउ कम कि मैं तो अपनी यूनि में भी हल्का फुल्का करता हूँ तो ये वो वहाँ भी थिएटर है तो ये वो तो मुझे एक शौक पैदा हुआ है आई वॉन्ट टू डू इट वेर हैज़ ग्रेजुएशन इन मीडिया बिजनेस तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़े आपका वेट ज़्यादा है इस आप बहुत बुरे लगेंगे आप स्क्रीन के ऊपर क्योंकि जो आपकी उम्र है तेईस चौबीस साल की उम्र है तो आई मीन यू नीड टू कट डाउन योर वेज इसके लिए तो बड़ी मोटिवेशन चाहिए और एक्टिंग तो अंदर से आती है ये थोड़ी है कि आप किसी आ, आ, सुबह उठ के मैं कर लूँगा तो ये वो तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है सो सिक्स मंथ्स ही वर्कड ऑन हिम सेल्फ ऑलमोस्ट इन ही लॉस्ट ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सेवन के जी जिसकी वजह से ही हैड दिस शेटिका इशू एज वेल जिसमें मुझे मोटिवेशन थोड़ी सी नज़र आई इतफाक से वो छुट्टियों पर आए हुए थे ये अभी तो हम यूनिवर्स की एक वॉक थी तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिली तो ही वॉकड विद मी सो so, उसके बाद उसको हालांकि मैंने अगर उसको लॉन्च करना होता तो शायद ख़ुद कोई प्रोडक्शन कर लेता और बैठ के बेहतर तरीके से बताता उसको ये वो सारा कुछ तो ही जस्ट गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड ही सेड मुझे इस तरह uh, uh, कर लूँ मैं तो मैंने कहा कर लो आप टेलीविजन पे होस्टिंग भी करते हैं और आप डिजिटल पर भी, भी कर रहे होते हैं और मख्तल चीज़ें बस दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई ऐसी बात कह जाते हैं आपके शो में कोई ऐसी बात हो जाती है जो फिर ट्रेंड बन जाती है जैसे इफ़त उमर के प्रोग्राम में एक दफ़ा कहा कुछ फिर अब्दुलरजाक और निदाडार वाला जो मामला हुआ अच्छा मैं दोनों की वजाहत कर दूँ इफ़त उमर साहिबा के तो वो एक अगर किसी ने उसको उस फ्लो में देखा है क्योंकि वो डेढ़ साल पहले लगा था तो डेढ़ साल पहले तो उसके नीचे किसी ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी क्योंकि एवरीबडी न्यू के आई गेव दैट स्टेटमेंट वेरी सार्केस्टिकली क्योंकि वो एक मजाक भी उसमें चल रहा था ये वो और अगर आप सवालों का फ्लो देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्लो में ही पता चल जाता है कि यार ये कोई गलती करने वाली जड़ी तू तो पुछी है और ये कोई गलत करने वाली जेडी तो उसे जवाब देता है तो वो एक वो उस फ्लो में था उसके बाद कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसकी वजह से आई मीन सॉरी सॉरी आई एम कोटिंग लेकिन कुछ ब्लॉगर्स बच्चे और बच्चियाँ हमारी ट्रेड में बहुत अजीब तरीके से हावी हैं उनका ख़ुद को ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो हम मैं अक्सर कहता होता हूँ कि मेरा एक दौर था जब जब मैंने वकालत की थी ना तो कहा करते थे कि जिसको कहीं एडमिशन नहीं ना मिलती वो वकील बन जाए तो अब ये ट्रेंड आ गया कि जिसको कहीं नौकरी नहीं ना मिलती वो ब्लॉगर बन जाए उसकी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए बाकी अल्लाह अल्ला खैर है तो अब बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ ऐसे हैं और ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो जिनको कहीं कुछ नहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो मैगज़ीन रजिस्टर करके दे स्टार्ट कमेंटिंग बिकॉज सोशल मीडिया ने हर एक को आज़ादी दे दी है कि जिसको मर्जी गाली निकाल दो मसला ही कोई नहीं है किसी ने पूछना थोड़ी है कि तू तो गाली क्यों निकाली वो एक प्लान था वो प्लान क्लिप उसको एडिट की गई और उसके बाद सारा कुछ हुआ जो निदा और रजाक वाला हुआ उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है देवर फ्रैंक विद ईच अदर अब लोगों को नहीं पता बहुत सारी चीज़ों का मैंने तो कोई कमेंट नहीं दिया ना ही मेरी कोई स्टेटमेंट है हाँ हमारे एडिटर से ज़रूर ये गबला हुआ कि उसने हंसने वाले जो शॉट्स थे वो उस गुफ्तगु में लगा दिए जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि रज़ाक साहब ने जो निदा को बोला है हम इंजॉय कर रहे हैं उससे सो वो दोनों कॉन्ट्रवर्सीज फजूल हैं क्रिएटेड हैं और खाम, खाम की एक हाइप क्रिएट की गई आपने स्टार्ट जो किया था एक्टिंग का वो फिल्मों से किया था और छः सात फिल्में भी की थी जिसमें रंगीले चोर भी थी और तूफानी बिजलियाँ भी थी थी एक उसमें सेकंड हीरो था फिर फिल्में छोड़ क्यों दी मुझे ये महसूस हुआ कि मैं फिल्म का आदमी नहीं हूँ मैं आ, उन लोगों में बहुत कोशिश करने के बावजूद जेल नहीं कर पाया आई एंड डोंट नो मेरा एक अजीब सा मुझे एक अजीब सी परेशानी लाक हो जाती थी जब मुझे स्टूडियो फिल्म की शूटिंग पर जाना पड़ता था और फिर दूसरी बात यह है कि वो सात हज़ार रुपये में सात फिल्में मैंने की थी उनकी ना देने की आदत थी वो टोकन पर ही कर देते थे सारी फिल्म उसके बाद ना मैं मांगता था और शुक्र अलहमदिल्ला वो सातों फेल होंगी अगर मैं तो टेंशन में रहता था कि ये अगर हिट होगी तो मुझे कुछ सात आठ फिल्में और मिल गई तो मैं क्या करूँगा तो वो अल्लाह पाक ने बड़े करीब होकर मेरी दुआएं सुनी वो सातों फ्लॉप हो गई जिसकी वजह से फिल्मों से मैं आज़ाद हो गया सबसे ज़्यादा किस एक्टर के साथ आपको काम करके मज़ा आया और किसके साथ काम ना करने का अफसोस है सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे एक्टरों के साथ काम किया है मैंने और वो सारे मे... और सालों से चीज़ें चोरी की हैं उनके एक्सप्रेशन चोरी किए हैं उनकी अदायगी चोरी की है उनके बोलने का तरीका चोरी किया है उनकी बॉडी लैंग्वेज चोरी की है मेरा अपना कुछ भी नहीं है आज मैं अगर एक रुपया हूँ तो इसमें दस दस पैसे उन तमाम लोगों के हैं जिनमें कभी ख़ान साहब हैं जिनमें फ़ारूक जमीर साहब हैं जिनमें शफी साहब हैं तलत साहब हैं फरदौस जमाल साहब हैं मसूद अख्तर साहब हैं ख़्याम साहब हैं आबिद भाई हैं ये सारे वो मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखते हैं और मैं इन्हीं यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बंदा हूँ और मैं मैं एक खुशनसीब आदमी हूँ कि मैंने बड़ों से बहुत कुछ लिया है मेरा अपना कुछ नहीं है मेरा सब कुछ मेरे बड़ों का ही दिया हुआ है या मैंने चुराया हुआ है मेरा अपना कुछ नहीं है ट्रस्ट में एंड आई एम ग्रेटफुल एंड और मेरी दुआ होती है उनके लिए अल्लाह पाक उनको जन्नतफरदवास में जगह दे और जो हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तो और ज़िंदगी हमें कदर करनी चाहिए हमने कदर नहीं की दुख सिर्फ ये होता है अपनी इंडस्ट्री से भी और अपने अवाम से भी कि हमने वो इज़्ज़तें नहीं दे पाए हम जो इज़्ज़तें ये लोग डिजर्व करते थे